तो मेरा नाम कुशाल कुमार। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोज के बारे में। ये इस कार का XT वेरिएंट है डार्क एडिशन में। पूरा ब्लैक कलर के फैन है, जैसा कि आपको पता होगा। प्रीमियम हैचबैक कार में सिर्फ टाटा एल्ट्रोज ही आती है जो कि आपको ब्लैक कलर में मिलती है। और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरियंट जो मुझे इस कार का लगा वो इसका XT वेरियंट ही लगा, क्योंकि उसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। चाहे आप इसका इंटीरियर देखें, चाहे आप इसका एक्सटीरियर देखें, जो इसके स्टाइलिश स्टील व्हील्स रहने वाले हैं वो देखने में पूरे एलओवीस की तरह लग रहे हैं। तो इतने प्राइस में आपको फीचर्स भी बढ़िया मिल जाते हैं, लुक भी बढ़िया मिल जाते हैं। डार्क कलर में दिखने में कार बहुत बढ़िया लगती है और अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार है टाटा एल्ट्रोज। कार ने ग्लोबल NKMA 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी है। उस तरह की आपको उस कार में के मिल जाएगी, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा आपको उसके डोर हैंडल पर। लॉक अनलॉक के लिए मिल जाएगा, फॉलो मी होम हेडलैम्प का रहने वाला है। कार की बूट को अनलॉक करने के लिए इस कार की कीपर ही मिल जाता है और कुछ तरह की रहती है। पीछे की साइड आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो और दोनों की आपको सेम मिलेंगी। और ये रही इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे इसकी हेडलाइट में। यहाँ पर होगी पियानो ब्लैक फिनिश और नीचे की साइड आपको क्रोम मिल जाएगा एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक। और ये रही ग्रिल इस कार की, बीच में हो गया टाटा का लोगो। यहाँ पर आपको कुछ तरह के हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। DRS हो गई। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम लगती है फ्रंट से देखने में। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की, उस तरह के आपको उसमें स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाएंगे 16 इंच के। 195/55 आर 16 इंच की प्रोफाइल रहने वाली है। हैचबैक डार्क की मिल जाएगी आपको यहाँ पर बेजिंग। इंडिकेटर आपको उस कार के फेंडर पे मिलता है, चाहे आप इसका टो वेरिएंट या फिर बेस वेरिएंट भी ले। पियानो ब्लैक फिनिश का हो गया इस कार का ORBM। यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्रोम, इतने साइज का आपको यहाँ पर ग्लास मिल जाता है। और ये डोर हैंडल्स कार के जो कि आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट सेंसर बटन है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते कुछ तरह का इंटीरियर रहने वाला है इस कार का, पूरा डार्क कलर में। इंटीरियर में चलेंगे इस कार के, एक फीचर्स को हम देखने वाले हैं काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका XT वेरिएंट देखने वाले हैं। वो बैक डोर हैंडल आपको यहाँ पर दिया जाएगा इस कार में, जैसे आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड हो गया एंटेना। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है कार साइड से देखने में। इस कार की जो भी डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होंगी। और ये रही बैक प्रोफाइल इस कार की। डार्क कलर की प्रॉब्लम ये रहती है, गंदी ज्यादा दिखाई देती है। ऊपर की साइड आपको इंडिकेटर स्पॉइलर मिल जाएगा, उसी पर हाई माउंट स्टॉप लैंप। पियानो ब्लैक फिनिश हो गई यहाँ पर। वोकल फोर लोकल का हो गया स्टिकर। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा, एल्ट्रोज की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा। और कुछ तरह की आपको उसमें टेल लाइट मिल जाएंगी। इंडिकेटर बैकलाइट में हो गया बल्ब। नीचे साइड दो हो गए पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स। अब चलिए फिर मैं आपको उस कार का बूट दिखा देता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको उस कार के बूट में मिल जाएगा। और पांच से ट्रे मिलने वाली आपको यहाँ पर। 345 लीटर का मिल जाएगा आपको उस कार में बूट स्पेस। मोबिलिटी किट मिल जाएगी आपको यहाँ पर, टूल किट रहने वाली है। और ये रहा इसका स्पेयर व्हील। वैसे आपने देखा कुछ तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक। जो फीचर्स मिल जाते हैं वो तो मैं आपको दिखाई दिए हैं, मैं आपको इस कार के इंटीरियर में भी लेके चलूंगा। जैसे कि आपने देखा स्टाइलिश स्टील व्हील्स के अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस कार में। जैसे क्रोम हो गया, ब्लैक क्रोम हो गया, कुछ ऐसी चेंजेस हैं, कलर डिफरेंस है बस, वरना फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सटीरियर में। और एक्सटीरियर से नहीं लगने वाला है आपको इस कार का XT वेरिएंट। अगर आप नॉर्मल वाले XT वेरिएंट को देखते हैं तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का रिवेट्रॉन इंजन मिल जाएगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 84 BHP की पावर। बने 13 Nm का टोर्क, बने 65 mm इस कार की ग्राउंड क्लीयरेंस है। व्हील बेस है 2500 mm का। लगेज लैंप हो गया यहाँ पर। तो ये तो बात है इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड डोर। इंटीरियर और डोर इस कार का वो भी आपको पूरा ब्लैक कलर में दिया जाएगा। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर। पियानो ब्लैक फिनिश का मिल जाएगा आपको डोर इस कार का। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो गए ORBMs। यहाँ पर आपको वाटर बॉटल के लिए स्पेस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस और स्पीकर। और बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा आपको यहाँ पर रिक्लाइन करने का। और कुछ तरह की सीट्स रहने वाली है इस कार में। और ये रहा इस कार का बेड डोर। डोर ओपनर पियानो ब्लैक फिनिश का, पावर विंडो, वाटर बॉटल के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस और स्पीकर। तो ये पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला इंटीरियर इस कार का। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। डैशबोर्ड में और एक फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको इस कार में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो लेदर रैप्ड मिलने वाला आपको इस कार में स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग मॉडेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, टाटा का हो गया लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एनालॉग रहने वाला है इस कार का RPM मीटर और स्पीडोमीटर। और बीच में कुछ इतने साइज की मिल जाएगी आपको MID, जिसमें आपको उसके फ्यूल का टेम्परेचर का दिखता रहेगा, कुछ में अलर्ट लाइट्स दी जाएंगी। और ये रहा इसका RPM मीटर, स्पीडोमीटर हो गया यहाँ पर। और ड्राइवर साइड AC वेंट, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी आपको इसके साइड में।
इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया यहाँ पर। और ये इस कार का सेंटर कंसोल, 7 इंच का टच स्क्रीन एनफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको इस कार में एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ। हरमन का रहने वाला है ये। एसी वेंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, हजार्ड लाइट का बटन, एल्ट्रोज लिखा गया है क्रोम में। यहाँ पर होगी पियानो ब्लैक फिनिश। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगी आपको इस वाले वेरियंट में। यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, थोड़ा स्पेस, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ इस तरह का गियर नोब है इस कार में। ड्राइव मोड को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया जाएगा। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी मोड, सिटी मोड, दो मोड मिल जाएंगे आपको इसमें। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, कफ होल्डर्स। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इसमें। ग्लव बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया जाता है, तो बिल्कुल इतने साइज का कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया जाता है इस कार में, काफी बढ़िया साइज रहने वाला है। और ये कार का ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर आपको उसमें नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा, कैबिन लैंप एलईडी में। यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा। ये कार का IRBM मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। और ये को ड्राइवर साइड का, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। और ये ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की सीट्स मिल जाती है आपको फ्रंट में, एडजस्टेबल हेड रेस्ट, और लेदर सीट्स रहेंगी कुछ इस तरह की। और ये को ड्राइवर साइड डोर, डोर ओपनर पियानो ब्लैक फिनिश का, पावर विंडो, बटन बोर्ड के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस और स्पीकर। तो भाई ओवर कुछ तरह का कार का फ्रंट सीट पर बैठकर जो भी कुछ मिल जाता है वो तो हमने आपको दिखा दिया। चलिए फिर लेके चलता हूँ आपको उस कार की रियर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहां पर। हिसाब से कितना लेग रूम मिल जाएगा, लेग रूम और हेड रूम में कोई भी कमी नहीं रहती है इस कार में। और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगता है डैशबोर्ड। फ्रंट में आपको कैबिन लैंप मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पर कोई भी कैबिन लैंप दिख रही है नहीं मिलेगा। फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, उस तरह का मिल जाता है आपको उस कार में। बैक डोर, डोर ओपनर पियानो ब्लैक फिनिश का, पावर विंडो, वाटर बोटल के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस और स्पीकर। तो कितने साइज का मिल जाएगा आपको यहाँ पर बम्प। और रियर इसी वेंट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा। तो भाई ओवर कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ मिल जाता है आपको इस कार का इंटीरियर वो मैंने आपको दिखाई दिया है। वैसे आपने कुछ तरह का था इस कार का वॉक अराउंड, जो जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। जैसे आपने देखा आपको उसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल, चारो पावर विंडो कंट्रोल्स, रिमोट सेंटर लॉकिंग, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर, स्टेनलेस स्टील व्हील्स, फिर तो कार पूरी टॉप वेरिएंट जैसी लगती है देखने में। और सबसे बेस्ट कलर जो मुझे लगा इस कार का वो ब्लैक कलर ही लगा, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये रहती है डार्क कलर में डस्ट ज्यादा दिखाई देती है। तो अगर आपको इस कार के और वेरियंट की वीडियो देखनी है, टॉप वेरियंट या फिर बेस वेरियंट की, तो आप मेरे चैनल को विजिट, या फिर आपको इस और कार का भी वॉक अराउंड देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।